नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के टोहाना में दिन दहाड़े पिस्तौल और चाकू की नोक पर तीन बदमाशों ने एक फाइनेंसर के घर पर सोने के आभूषण और काफी मात्रा में कैश लेकर के फरार हो गए। प्राथमिक तौर पर करीबन 25 से 30 लाख रुपए की लूट की जानकारी सामने आई है। लूटपाट और वारदात को अंजाम देने के बाद लोहाखेड़ा गाँव के पास एक युवक का मोटरसाइकिल छीन कर भागने के दौरान ग्रामीणों ने उसका पीछा किया और उनकी मदद से दो आरोपियों को पकड़ लिया गया, जबकि एक आरोपी ने खुद को गोली मार ली और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टोहाना में एक घटना के समय फाइनेंसर सुनील कुमार घर पर उसकी पत्नी और बेटा मौजूद थे। तीनों आरोपियों ने घर में घुसकर महिला की गर्दन पर चाकू रख दिया और बेटे की कनपट्टी पर पिस्तौल लगा ली। उसके बाद सोने के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना जैसे ही सुनील कुमार को मिली, उसने आरोपियों का पीछा किया और गाँव लोहाखेड़ा के पास आरोपियों ने एक बाइक सवार के ऊपर फायरिंग कर उसका बाइक छीन लिया था। बाइक लेकर भागने के दौरान ग्रामीणों ने तीनों बदमाशों का पीछा किया और पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। डीएसपी के अनुसार दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि एक आरोपी की थान में लाश पड़ी मिली है। फिलहाल पूरी घटना की जांच की जा रही है। वहीं लोहाखेड़ा के ग्रामीणों ने बताया कि टोहाना की तरफ से तीन बदमाश आज गाँव के इस इलाके में पहुंचे, जहां पर आरोपियों ने एक बाइक सवार पर फायरिंग की, जिसके बाद बाइक को छीन लिया। हालांकि ग्रामीणों ने उनका पीछा किया और एक आरोपी को खुद को गोली मार ली, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस टीमें घटनास्थल पर पूरी वारदात की जांच में जुटी हैं। पलपल टोहाना से दीपक कुमार की विशेष रिपोर्ट। क्या काम करते हैं भाई जी?